हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंशुमान गर्ग, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल आई इंडिया अकेडमी में स्वागत है। ज्योग्राफी से रिलेटेड दूसरी कॉपी आप लोगों के सामने ओपन हो रही है, जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड के अधिक नंबर कैसे लाए जा सकते, जो पेपर फर्स्ट का सेकंड पोर्शन होता है कि सर उसमें अधिक नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। इससे पहले जो कॉपी ओपन की गई थी उसमें आपको बताया गया था कि मैप के साथ मैटर कैसे कवर करें, और डायग्राम में अगर आपने चीजें दिखा दी हैं उसी के साथ साथ आप मैटर कैसे लिखें, ठीक है। दो तीन फैक्ट थे जहां पे मैंने आपको उसके साथ कवर अप कराए थे। इस कॉपी की विशेषता यह है कि इस कॉपी में आप नीट एंड क्लीन कॉपी कैसे रख सकते हैं ज्योग्राफी की, और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि तीन नंबर के प्रश्न में तीन नंबर कैसे ला सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि तीन नंबर में इतना स्पष्ट लिखो चीजें, भाई डायग्राम भी नहीं बनाई लेकिन चीजें इतनी स्पष्ट कर दो कि वहां पे अपन आराम से नंबर गेन कर सके, कि सामने वाले को देखने में आकर्षित लगे। तो वो चीज कि कैसे नंबर अधिक ला सकते हैं, ठीक है, और कैसे इस कॉपी को साफ और स्पष्ट रखा जा सकता है, इस कॉपी की ये दो तीन विशेषताएं हैं जो आप लोगों के लिए काम आ सकती हैं। तो इसको देख लीजिए और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट अगर आपको लगे तो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है, जहां पे जिन्होंने कमी की हुई है, सबकी कॉपी मैंने पर्टिकुलर सेंड की हुई है वीडियो के फॉर्म में। याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता है, जो आप लोग अभी यहां पे वीडियो देख रहे हैं, ये स्टूडेंट कॉपी है, मेरे द्वारा लिखी हुई कॉपी नहीं है, स्टूडेंट की कॉपी है जो पीडीएफ के फॉर्म में मेरे पास आती है और मैं चेक करके आप लोगों को अवेलेबल कराता हूँ, जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए मेंबर है। इसी तरह से जो दूसरी टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, एज इट इज फॉर्म में आपको कॉपी प्रोवाइड होगी, वीडियो कंपैरिजन भी और बेहतर होगा। साथ ही साथ पेपर 5 साल के पेपरों के निचोड़ निकालते हुए, यानी लगभग 30 पेपर से 10 पेपर कवर अप करते हुए आपके कवर अप कराए जाएंगे, ठीक है, जो सेकंड टेस्ट सीरीज में इंक्लूड रहेगा। तो एक या दो दिन में उसका सिनेरियो आपको डाल दिया जाएगा, तो उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो सीधे वीडियो पे चलते हैं, तो आप लोग वहां पर समझ पाएंगे कि कैसे अपन तीन नंबर के प्रश्नों में कि अधिक नंबर कवर कर सकते हैं, और भूगोल यानी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में हम अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज कॉपी को साफ और स्पष्ट कैसे रखें, क्योंकि ज्योग्राफी का पोर्शन 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करना सबसे बड़ा टास्क होता है। रीजन कि सर इसमें कोई भी टॉपिक अपने आप में छोटा नहीं है, सब इतने लेंदी होते हैं कि कोई भी चीज अगर पॉइंट हम छोड़ते भी हैं तो वो अपने आप में अधूरा हो जाता है। तो उसको कैसे पूरा करें, कैसे कम समय में बेहतर रिप्रेजेंटेशन करें, यह भी आप इस कॉपी में देख सकते हैं। प्रेमचंद, गुड आफ्टरनून। समय नहीं लिखा तुमने, फिर इस बार वही गलती कर दी, टाइमिंग मेंशन करना जरूरी है भाई, और कॉपी में नेम ऊपर, इतना रिक्वेस्ट है, ये जरूर कर दिया करो। चलो, इस बार लेट भी हो गए तुम, हो सकता है इसलिए भूल गए हो, याद रखना। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक परतों पर किसी कारण से होने वाली हलचल को भूकंप कहते हैं, उदाहरण ज्वालामुखी, कोमा, ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप। सिस्मोग्राफ में भूकंप लग रहा है तो भू बनाओ उसको, प्रॉपर भूकंप लगना चाहिए। तरंगों का अध्ययन रिक्टर, रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता विश्व सर्वाधिक, भूकंप परिप्रशांत में मेखला पेटी में आते हैं, ठीक है। क्रेटर, किसी खगोलीय पिंड पर एक गोल आकार के गड्ढे को क्रेटर कहते हैं, ये प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों तरीकों से बन सकता है। ज्वालामुखी उद्गार, उल्का पिंड, परमाणु बम, भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण चट्टान की दरार से चट्टान टूटकर स्थानांतरित होना भ्रंशन कहलाता है। स्थलाकृति भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत पर्वत। जलोढ़ शंकु नदी द्वारा प्रणवावस्था में निर्मित होती है, नदी के निक्षेपण द्वारा पर्वतों की पदस्थली में बनती है, इस अवस्था में जल की अपेक्षा उत्साह अधिक होता है, ठीक। पाताल तोड़ कुआं, सरंध्र वाली चट्टानों से पानी रिसकर नीचे जमा हो जाता है, यहां अपारगम्य चट्टान होती है, वहां जल जमा हो जाता है, बहुत अधिक जल। अब देखो जल तुम्हारा कैसा लग रहा है, घल घल घमा लग रहा है, यहाँ घल लग रहा है, घमा हो जाने पर वह लगातार बाहर निकलने लगता है, तो थोड़ी सा इस चीज का याद रखो, बाकी तो ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, विश्व की सबसे बड़ी मूंगी की दीवार, पानी का बगीचा, उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। सारगासो सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, सारगासम जल विहीन घास के कारण सारगासो सागर, शांत जल क्षेत्र, महासागरीय मरुस्थल।
लैगून जब समुद्र का जल किसी स्थल में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद एक बालू का अवरोध खड़ा कर देता है, तो स्थल वाला भाग समुद्र से अलग हो जाता है, तो इसे लैगून कहते हैं, उड़ीसा की पुलिकट झील। वृष्टि छाया प्रदेश, मानसूनी हवाएं पवन विमुख ढाल पर वर्षा नहीं करा पाती या बहुत कम कराती हैं, इसलिए पवन विमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। महासागरीय गर्त, महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के बलन एवं भ्रंजन से होती है। ये महासागरीय बेसिन के सबसे निचले भाग होते हैं, मेरियाना गर्त या सुंड्रा गर्त। डोल्ड्रम विषुवत रेखा के निकट दोनों गोलार्धों में 0 से 5 डिग्री के मध्य का क्षेत्र होता है, दोनों गोलार्धों में, ठीक है। यहाँ निम्न वायु दाब पाया जाता है, यहाँ हवा वर्ष भर शांत होती है, अर्थात डोल्ड्रम वाला क्षेत्र। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 35। संघनन, जल के गैसीय अवस्था में से तरल या ठोस में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन 2 कारक पर निर्भर करता है, तापमान में कमी, सापेक्ष आर्द्रता यानी ओस। मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगा तट या दक्षिण भारत के सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है, अधिकांश हिस्सा केरल में है, लैगून झील है। जेट स्ट्रीम, पृथ्वी सतह कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवाएं या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पृथ्वी पर ट्रोपोस्फीयर में बहती है। 36, 37, 38, 39, 40, 38, 38, 38। समुद्र के जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार अमावस्या पूर्णिमा को, ठीक है। 38, 39, 40, 41, 41, 41। चलो, वर्षा वायुमंडलीय जलवाष्प का लगातार होने वाला संघनन जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पर्वतीय वर्षा, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु के किसी पर्वत या पठार के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो वह ठंडी हो जाती है, जिससे जलवाष्प का संघनन होने लगता है तथा वर्षा होती है। महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर वर्षा तथा पुणे में 70 सेंटीमीटर। चक्रवाती वर्षा, जब गर्म वायु राशि शीतल वायु राशि से टकराती है तो गर्म वायु हल्के होने के कारण ऊपर पहुंच जाती है और गर्म वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है तथा वर्षा होने लगती है, ठंडी वायु। संवहनीय वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में भूतल के गर्म होने से वायु गर्म हो जाती है, गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, परिणामतः संवहनीय धाराओं का निर्माण हो जाता है, ऊपर जाकर वायु ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे भारी वर्षा होती है, ऐसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। गुड, पूरी चीज है, उसने कवर अप कर दिया है, सिनेरियो पूरा कवर कर दिया, डायग्राम के साथ कवर अप कर दिया। वायुमंडल के कुछ 5 स्तर होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इसको डायग्राम के रूप में भी दिखाया है क्या, ठीक है। क्षोभ मंडल की सीमा आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो आपने सीधी सीमा खींची है जो कि नहीं होती है, हाँ आपकी ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर अलग अलग होती है, तो इस तरह से रेखाएं खींचनी थी, बाकी ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपने, बात कर लीजिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 14 से 18 किलोमीटर की, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, बादल पाए जाते हैं, तापमान में गिरावट आती है, ओजोन गैस उपस्थित होती है, शांत मंडल होने के कारण वायुयान के लिए उपयुक्त दशा, निचले भाग में तापमान समान रहता है। इस मंडल में रासायनिक क्रियाएं होती है, रसायन मंडल के नाम से जाना जाता है, तापमान में गिरावट आती है, यहाँ गैस के कण आवश्यक हो जाती है, मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायता करता है। वो उत्तरी गोलार्ध अरोरा बोरेलिसिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। वायुमंडल, इस परत में वायु बहुत अधिक बरस होती है, एच और एच ई की मात्रा बढ़ने लगती है, सबसे बाहरी परत, ठीक है। वायुमंडल की परतों का चित्र, हिमालय नदियों की अगर बात करें तो हिमालय अभ्यय तंत्र का की उत्पत्ति हिमालय पर्वत से होती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं, हिमालयी नदियां अपने विकास क्रम में नवीन और नवीन बलित पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती हैं, हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती अभ्यय प्रणाली का अनुसरण करती हैं, इन नदियों का बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपी की अपेक्षा अधिक होता है। प्रायद्वीपी नदियां अभ्यय तंत्र की नदियां प्रायद्वीपी पठार से निकलती हैं, नदियां अनुवर्ती अभ्यय तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अब अगर सिमिलरिटी देखी जाए, जैसे तो आप अंतर जब लिखते हैं तो आपने वहां पे अनुवर्ती का उदाहरण बता दिया, निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं, यहाँ पे आपने कोई तंत्र का बताया कि हिमालय की नदियां किस प्रकार के तंत्र का अनुसरण करती हैं, लिखा क्या, और यहाँ पे आपने वो पॉइंट लिख दिया, तो कोशिश करो कि दोनों के पॉइंट सेम हो और सेम पॉइंट के साथ साथ सेम नंबर पे वो पॉइंट हो, ठीक है। ये चीज नहीं होती कि वहां पे कुछ अंतर लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। प्रायद्वीपी नदियां प्रायः मौसमी होती हैं, मानसून में प्रवाहित होती हैं, प्रायद्वीपी नदियां पूर्णावस्था में है, जो पठारों से प्रवाहित होती हैं, नदियां जब समुद्र में गिरती हैं तो ज्वार नदियों के एस्टुरी का निर्माण भी करती हैं।
प्रायद्वीपीय पठार, भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन और सबसे विस्तृत प्रदेश है। सामान्यतः यह त्रिभुजाकार आकृति में है, इसका आधार उत्तर की ओर शीर्ष दक्षिण की ओर है। मेघालय का पठार, कठियावाड़ का पठार, अरावली पर्वत, छत्तीसगढ़ का मालाबार का, बुंदेलखंड का, ठीक है। और हिमालय पर्वत, इसे भारत का प्राकृतिक प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है, जो नवीन बलित पर्वत है। इसे मुख्यतः उपयोग 3 भागों में विभाजित किया, ट्रांस हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पूर्वी पहाड़ियां, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मध्य हिमालय आता तो समझ में आता, पूर्वी पहाड़ियां, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान, यह मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के, जो पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 250 किलोमीटर तक है। इस मैदानी भाग का ढाल अति मंद है, इस कारण यहाँ नदियां समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, उदाहरण कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट आदि है। इस मैदान में सघन वन है, जिनमें मैंग्रोव वन मुख्यतः विकसित हुए हैं, ठीक है। और ये काटाकूटी कोशिश किया करो कि कम करो, बाकी तो ठीक है चीजें। चलो, पश्चिमी तटीय मैदान, यह तटीय प्रदेश मुख्यतः अरब सागर और पश्चिमी घाट में स्थित है, एक संकरी पट्टी में फैला हुआ है, गुजरात के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। इस मैदान में काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट आदि नाम से भी जाना जाता है। इस तटीय मैदान का ढाल अपेक्षाकृत अधिक है, नदियां ऐश्वरी का निर्माण भी करती हैं। वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत के संपन्न राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक वन है, और वनों का राष्ट्रीयकरण 1964 सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही हुआ था। उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय वन इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, शीशम, नीम, पीपल उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती 100 से 150 सेंटीमीटर, जामुन, महुआ, साल इस प्रकार के वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्ती गिरा देते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एच, कृत्रिम तरीके से पौधों को जल देना सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम तरीके से पौधों को जल देना सिंचाई कहलाता है। मध्य प्रदेश में कुआं और नहरों से मुख्यतः सिंचाई की जाती है। 17.7% सिंचाई नहरों में, सिंचाई को लिखना सीखो पहले, ये गलत लिखे हुए हैं, नहरों से होती है। मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं, नहरें भी गलत लिखा हुआ है, बिंदी आएगी। चंबल नहर, चंबल नदी, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि, यूमी लग रहा है इसको, भू बना के लिखो, सिंचित। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, हिलाली, बेतवा नदी, विदिशा और रायसेन जिले, लाभान्वित, तवा, तवा नदी, होशंगाबाद जिले, 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित, बारना, बारना नदी, रायसेन, सीहोर। बेनगंगा या एमपी की पहली नहर 1923 में बनाई गई थी, बालाघाट, भांडेर, दतिया, ग्वालियर और भिंड। इसके अतिरिक्त डिवजल देवता नहर, खरगोन में। इस प्रकार नहरों के माध्यम से लगातार मध्य प्रदेश को सिंचित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का मैप कोशिश करो कि थोड़ी तरीके से बनाओ, क्योंकि ये बैगन का शेप लग रहा है, ठीक है, उस तरीके से नहीं। चलो 23-4-27, मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले प्रदेश है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जातियों का निवास है। प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों में 3 भागों में बांटा गया। पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, 15% निवास करती है, सीधी शहडोल उमरिया। पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्रदेश के बनवटे थीट जनजातीय संख्या निवास करती है, ठीक। और मध्य जनजातीय क्षेत्र, और ये आपने पूरा उस चीज को मैप में सीन कर दिया, वेरी गुड। तो इस चीज का यही मैं कहना चाहता हूँ बस लड़कों से, कि जो भी है इस कॉपी को अगर देखेंगे, क्योंकि मैं ये तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि नीट होनी कॉपी जरूरी है, ठीक है। एक्चुअली दूर से भी वही चीज अगर रिप्रेजेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। भगोरिया नृत्य, यह भील जनजाति का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। फागुन माह में पड़ने वाला भगोरिया पर्व के कारण इसका नाम भगोरिया पड़ा। यह होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में अविवाहित युवा युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। गरबा, इसका उद्गम क्षेत्र गुजरात है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात में प्रचलित नृत्य है। नवरात्रि के दिनों में लड़कियां कच्चे मिट्टी के घड़े को गुलपत्तियों से सजाकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। इसमें 2 स्त्रियों और 4 स्त्रियों का समूह होता है। इसमें देवी ठीक और राई, यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, जो मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेलखंड में किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य 12 महीनों में नाचा जाता है। बुंदेलखंड में बेड़नी नृत्य करती हैं, जबकि बघेलखंड में पुरुष, वेरी गुड। इसमें 5 नंबर इसलिए दिए क्योंकि ये 2-2 नंबर के अलग अलग थे, इसलिए यहाँ पे 5 नंबर दिए गए। मैं पहले ही वो चीज क्लियर कर दूं, लोगों को लगे कि सर 500 मिलते ही नहीं है, तो जब 3 पॉइंट वहां पे मैंने अलग अलग 2-2 नंबर के दिए थे तो आराम से उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो चीजों को व्यवस्थित तो संकलित करना जरूरी है, ठीक है। तो अच्छा लिखा है आपने। मध्य प्रदेश कोयले के उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है।
फिर देश में कोयला गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है, मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र बिल्कुल व्यवस्थित। अब देखो वही चीज है कि एक ही मैप में आपने फ्लो चार्ट बताया लेकिन अलग समझ में आ रहा है कि भाई व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। अब कुछ क्या होते बनाते बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन उसमें ऐसी खिचड़ी पका देते कि यहीं पे बिल्कुल उनका उत्पादन भी लिख देंगे, सब लिख देंगे तो खिचड़ी पक जाती है। तो इस तरीके से नहीं करना है। कॉपी में पेज मिलते हैं लगभग, इनके भी 42 पेज गए हैं और वही पेपर का सिनेरियो है पूरा, थोड़ी पेज कम भी हो सकते हैं। सुहागपुर कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र, जोहिला करार। प्रदेश में कोयला उत्पादन में सर्वाधिक योगदान मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र का है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र का है, पूर्वी जिला। अभी देखो थोड़ी सा ये डायग्राम गलत हो गया है ना, ये अलग अलग सिनेरियो बनेंगे, दो चीजें ये अलग अलग सिनेरियो की बनती है, बाकी ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है। चलिए तीन नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, कृषि मध्य प्रदेश की रीढ़ है, यहां भौतिक संरचना जलवायु मिट्टी और वर्षा के आधार पर अलग अलग फसल का उत्पादन होता है। कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है। किसी लोगों ने कुछ लोगों ने भाई इसमें, अब देखो क्वेश्चन की प्रकृति समझना जरूरी है, कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ते ही गलत है, कृषि जलवायु प्रदेश और उसमें लिख देंगे कृषि प्रदेश, दोनों अलग चीजें, तो कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में लिखना है। तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग डायग्राम आपने इसमें नहीं दिखाया क्या? नहीं दिखाया है। चलिए तो चीजें व्यवस्थित तरीके से कवर अप कीजिए, कोई नंबर नहीं कटते हैं, अपन उसमें आराम से अंदर रह सकते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वर्षा मिलीमीटर रेंज 1200 से 1500 होती है। मिट्टी के प्रकार लाल पीली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी, कुछ मात्रा में लैटेराइट मिट्टी, जिले का नाम बालाघाट, फसल क्षेत्र चावल। अधूरा है क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे फैक्ट के होते हैं जिनमें अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको अपन को एज इट इज लिखना ही पड़ता है। तो उस चीज को समझिएगा, उसकी वास्तविकता को समझिएगा और एज इट इज लिखना कंपलसरी होते हैं। जहां पे आपको नंबर, ये नंबर गेनिंग क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनमें ना उनका मॉडल आंसर में परिवर्तन होगा, ना आपने जो लिखा हुआ उसमें परिवर्तन होगा। और अगर आपने लिखा हुआ कोई क्वेश्चन ने परिवर्तन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कटेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर उनके सिनेरियो के अकॉर्डिंग या जो आपका फैक्ट है पूरा लिख देते हैं तो नंबर पूरे यहाँ पे मिलने के चांस रहते हैं। मिट्टी के प्रकार मध्यम गहरी काली पथरीली मिट्टी, जिले का नाम भोपाल, ग्रिड क्षेत्र गर्म शुष्क 800 से 1000 जलोढ़। अब इसमें आपने टेम्परेचर वाला भी नहीं जिक्र किया है कितना रहता है, ठीक है चीजें छोड़ दी हैं, अधूरा है। अब बाकी डायग्राम में पूरा दिखाया है लेकिन वो वहां चीजें अधूरी हैं। चलिए महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनी की मत नवीन तथा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है। इस मत में प्लेट तथा उनको खिसकाओ संचलन पर मुख्य जोर दिया गया। यहाँ प्लेटों से आशय भूपरपटी के विभिन्न खंडों से है जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। इन प्लेटों में भूपरपटी तथा प्लेटों का कुछ भाग शामिल किया जाता है। ये दृढ़ प्लेटें एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल पर खिसक रही हैं, ऐसा माना जाता है कि मेंटल की संबंधी धाराएं इन प्लेटों को संचलित कर रही हैं। प्लेटों की खिसकने की प्रक्रिया को ही प्लेट विवर्तनी की कहा जाता है। वैज्ञानिक आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि पृथ्वी की भूपरपटी कई प्लेटों में विभक्त है जिनमें 7 मुख्य प्लेटें और कई गौण प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटें यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, प्रशांत, अफ्रीकन, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, फिलीपींस, नाजका, कोकोस आदि। इन प्लेटों के अध्ययन पर साविंद्र सिंह ने प्लेटों के किनारे के आधार पर संपूर्ण प्लेटों को 3 भागों में बांटा है। विनाशनात्मक प्लेट किनारे, जब दो असमान घनत्व मोटाई वाली प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व के नीचे धस जाती है जिससे उस स्थान पर हमें व्यापक स्तर पर विनाश देखने को मिलता है, इसलिए इसे विनाशनात्मक प्लेट के रूप में देखते हैं। और बिल्कुल सही है, डायग्राम में भी आपने दिखा दिया। रचनात्मक और संरक्षित प्लेट, रचनात्मक प्लेट का किनारा जब दो समान या असमान घनत्व और मोटाई वाली प्लेटें एक दूसरे के विपरीत। अब देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी गलत लगी, आपने तीनों डायग्राम एक साथ बना दिए लेकिन अब इसका तो आपने ठीक है थ्योरी के बाद बनाया इसका मतलब है, लेकिन रचनात्मक प्लेट आपने या तो ऊपर जिक्र कर देते उस चीज का तब आप बनाते डायग्राम। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं तो उनको आपको बाद में बनाना ज्यादा सटीक आंसर रहेगा इसका। तो उनके मध्य दरार उत्पन्न होता है जिसमें नवीन प्लेटों की रचना होती है, इसलिए इन्हें रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। संरक्षित प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे को स्पर्श करती हुई क्षैतिज रूप में एक दूसरे के समानांतर गति करती है तब संरक्षित प्लेट किनारों का निर्माण होता है। कैलिफोर्निया के पास सैन एंटोनियो, इसका सिद्धांत बहुत सही है।
महान संस्कृति एवं संरचना के से परिपूर्ण भारत एक राष्ट्र के रूप में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जो चतुष्कोणीय आकृति में फैला हुआ है। भौगोलिक उच्चावच, निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण काल, संरचना आदि के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकरण किया गया। देखो भाई प्रेम, ये दो चीजें हमने जो आपके शब्दों में गलतियां बताई हैं, इनको सुधार लीजिए, वरना हिंदी में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इस चीज में सुधार होना आपका जरूरी है, अदरवाइज आपको ही दिक्कत आएगी इन फ्यूचर। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, डायग्राम में दिखाया क्या, बहुत सही आपने आधे आधे में दिखा दी भी। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसे भारत का पहरी वरदान कहा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा बनाता है। ट्रांस हिमालय, कराकोरम, लद्दाख, जैसका श्रेणी इसी हिमालय में आती है। मिसमी, डफला, पटकोई, नागा हिल्स, बहुत सही, बिल्कुल आपने अलग तरीके से बता दिया। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आपने पूरा दिखा दिया, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का, इसी तरह की कुछ अपेक्षा की जाती है कि आप इस तरह से एक सिनेरियो बना के लिखें तो वो चीजें आपका पूरा कवर कर देती हैं। देखिए डायग्राम अलग अलग भी दिखा दिया उन्होंने। प्रायद्वीपीय पठार, त्रिभुजाकार भूभाग में फैला भारत का सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत उन्होंने पूरी चीजें दिखा दी। भले ठीक है, चीजें उन्होंने कम लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सिनेरियो के रूप में उन्होंने लगभग सब चीजें कवर अप करने की कोशिश की गई है। ठीक है, निष्कर्ष था भारत में भौतिक विभाजन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निर्मित होता है, तो चीजें उन्होंने कवर अप करने की बहुत तरीके से कोशिश की है। ठीक है, ओवरऑल आपके जो नंबर हो रहे हैं वो 110 आउट ऑफ 150, अच्छा प्रयास है, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, थैंक यू। इसी तरह का प्रयास करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आज तो आपने लेट दी कॉपी, लेकिन समय से पहले दें, थोड़ी सा समय रह गया था लास्ट का, तो कोशिश कीजिए कि समय से पहले कॉपी दें, नो डाउट आपने अच्छा प्रयास किया है। थैंक यू।